तो कैसे हो आप सब लोग। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है गुजरात की गीर गाय की प्राइस के बारे में। हमारे एक जो सब्सक्राइबर है गौतम रघुवंशी, उसने हमें बताया था कि आप ज़रूर एक वीडियो गुजरात की गीर गाय के बारे में डिटेल से बताइए। गुजरात में गीर गाय की जो कितनी प्राइस रहती है और इसका मिल्क और सभी के बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। तो आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम बताएंगे हमारे गुजरात की गीर गाय के बारे में। तो गीर गाय की यहाँ कैरेक्टर वाइज कैसी रहती है और जो थोड़ा देसी का भाग होता है गीर गाय में, यहाँ की जो जूनी प्रजाति होती है थोड़ी देसी में होती है तो उसकी कम प्राइस रहती है। प्योर कैरेक्टर में अगर आप लेने जाओगे तो ज़्यादा प्राइस रहेगी। तो यहाँ गुजरात में ज़्यादातर 40,000 से लेके 5 लाख 6 लाख तक की गाय बिकती है, ये मेरे को मालूम है और हमने देखा हुआ भी है। और यहाँ के जो गीर बुल की बात करें तो 30-40 हज़ार में भी मिलता है और 27 लाख तक का हमने गीर बुल देखा है, 10 लाख 15 लाख 27 लाख ऐसे भी यहाँ जो गीर बुल होते हैं वो हमने देखे हैं। तो यहाँ अभी गीर गाय का पालन सभी लोग कर रहे हैं और ब्रीडिंग सेंटर ज़्यादा खुल रहे हैं तो इसलिए यहाँ गीर गाय की प्राइस भी धीरे धीरे अभी बढ़ रही है, क्योंकि जो यहाँ पुराने मालधारी थे उसके पास जो भी अच्छी अच्छी गायें थी वो जो हमारे जैसे जो डेयरी फार्मर्स है वो सभी उनसे ले रहे हैं। तो उसके पास भी अभी अच्छी अच्छी गायें बची नहीं है और जो मालधारी अभी जान गई है वो अपने घर पर अच्छी अच्छी गीर गाय गीर बछड़िया तैयार कर रहे हैं, वो कम दाम में अभी बेच नहीं रहे हैं क्योंकि गीर गाय का पूरे देश में अभी प्रचलन ज़्यादा हो गया है। तो आज मैं गायों के कैरेक्टर जो कम प्राइस में रहती है वो दिखने में कैसी होती है और अच्छी गायें दिखने में जो बढ़िया कैरेक्टर में रहती है वो हमारे डेयरी फार्म पर 8-10 गायें हैं तो उसको ही आपको बताऊंगा और आप इसे थोड़ा समझ सकते हैं कि ऐसी गाय होगी तो यहाँ कितनी प्राइस रहने वाली है अराउंड, बराबर। तो चलो मैं आपको एक एक गाय के बारे में आपको बताऊंगा। पहले तो ये गाय हम आपको बता रहे हैं ये प्योर गीर गाय ही है, इसके आप कान देख सकते हैं, इसका सिर की बनावट, मगर ये गाय थोड़ी चार बेहतर की हो गई है तो इसलिए हमने जब इसको ख़रीदा था तो 55,000 में ख़रीदा था और एक टाइम का इसका दूध 6.5 लीटर दूध यहाँ इसने दिया है, एक टाइम का 6-7 लीटर इसका एक टाइम का, पूरे दिन का 14 लीटर दूध इनका था। और ये गाय हमारे डेयरी फार्म की सबसे बढ़िया गाय है दूध में। तो ये गाय आप देख सकते हैं इसके जो गेडिये जो कान है उसके सिर की बनावट आप सब ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है हाइट लेंथ सभी में। मगर ये गाय के एक आचर में दूध नहीं था, 3 ही आचर थे तो इसलिए हमने इसको सिर्फ 20,000 में खरीदी हुई है। अब बात करेंगे ये गाय की, तो ये जो गाय है ये गाय आप देखने में थोड़ा इसके कान छोटे हैं और इसके सिंग जो है वो थोड़े ऊपर से खुले हुए हैं तो इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी कम रहने वाली है। इसका पूरे दिन का 12 लीटर दूध है जब ब्याती है तब, तो इसके कान छोटे इसलिए हमने इसको 55,000 में ख़रीदा था। और ये हमारे डेयरी फार्म की बहुत ही शानदार गाय आप देख सकते हैं कैरेक्टर वाइज सभी में, मिल्क में इसकी
इसकी आपको ऑर्डर की क्वालिटी सब आपको बताऊंगा। फीट बाउला है इसका। तो ये जो गाय है तो आप इसके थन की बनावट भी देख सकते हैं। तो अभी तो ड्राई हो चुकी है, ये 7 महीने हो चुके हैं इसने जब बच्चे को जन्म दिया था उस तब तक के। तो ये जो गाय है ऐसी गाय बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसके देख सकते हैं आप सिंग उसके जो कान से उससे छू के जा रहे हैं ऊपर, और इसका सिर की बनावट सब भी आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया है। ये हमने 80,000 रुपये में खरीदी थी, वो भी ये जो आप यहाँ के ब्रीडर है जो यहाँ संवर्धन का काम कर रहे हैं उसके पास आप लेने के लिए जाओगे तो 1 लाख से ऊपर आपको इसकी कीमत जरूर बताएंगे। 1 लाख, 1,20,000, 1.5 लाख तक ऐसी गाय मिलेगी। ये देखिए इसके कान थोड़े कम छोटे हैं और ये साइज में भी थोड़ी छोटी है, मगर इसका पूरे दिन का 12 लीटर दूध है और ये इसको ड्राई करनी पड़ती है तब तक ये दूध देती है। तो इसको हमने 45,000 रुपये में ख़रीदा था, ताकि आपको पता चले कि ऐसी दिखने वाली गाय यहाँ कितने रुपए में मिल सकती है। ये जो आप गाय देख रहे हैं इसका नाम हमने भीली रखा हुआ है। ऐसे सिंग वाली गाय बहुत ही अच्छी मानी जाती है यहाँ पे। ये जो भावनगर ब्लड लाइन है वहाँ ये ऐसे सिंग पाए जाते हैं। तो ये गाय हमने 65,000 रुपये में ख़रीदी थी। तो ये गाय आप देखिए इसके थनों की बनावट और सभी एकदम बढ़िया है। तो हमने सभी गाय ज़्यादातर किसान से ही ली है, एक भी ब्रीडर होते हैं उससे नहीं ली है, इसलिए हमको ये गाय सस्ती आई है। मगर जो हम हमारे डेयरी फार्म पर तैयार कर रहे हैं, ये जो बछड़ी आप देखिए, ये बछड़ी है और ये दूसरी है, इसको हमने यहाँ हमारे डेयरी फार्म पर पूरा दूध पिलाया है और हमको यहाँ हरा चारा सब यहाँ सूखा चारा सब ये जो चारा होता है हमको ख़रीदना पड़ता ली है, इसलिए हमारे यहाँ कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हम इसको बेचेंगे नहीं, तो हम अपने अपने लिए तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी जो गाय आपको बता रहा हूँ मैं ऐसे कैरेक्टर में, और ये देखिए इसके एकदम इसका उल्टे तवे की तरह सिंह सिर है और सिंह की बनावट, और ये सभी आपको 80,000 या 1 लाख रुपए के ऊपर आपको यहाँ 1 लाख से ऊपर ऐसी बछड़िया ये जो गाय होती है आपको मिलेंगी। तो मैं आपको बताया सभी हमारी गाय, हमारे यहाँ ज़्यादा गाय नहीं है, ज़्यादातर जाफराबादी भैंसे है। तो मैंने जो भी आपको गाय बताई उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे गिर गाय की प्राइस कितनी है। जो भी पुराने ब्रीडर है जो बरसों से ब्लड लाइन का काम कर रहे हैं, ब्लड लाइन के ऊपर जो भावनगर ब्लड लाइन है, भाड़वा ब्लड लाइन है, जसदन ब्लड लाइन है, उसके पास आप लेने जाओगे तो 5 लाख से ऊपर आपको कोई भी गाय मिलेगी, क्योंकि वो बरसों से ही प्योर नस्ल की गिर ब्रीड होती है, उस पर वो काम कर रहे हैं। उसकी गाय आप देखोगे तो इससे भी बढ़िया सुंदर आपको दिखेगी, सुंदर उसके आवाचल, उसकी हाइट लेंथ सभी बढ़िया होता है, इसलिए वहाँ पे प्राइस भी उसकी बढ़ जाती है। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में जाके बता सकते हैं, तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे वीडियो आप आगे हमारी आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं उस पर हम आपको कमेंट ज़रूर लिखें, ताकि उस टॉपिक पर हम भी वीडियो बनाए और दूसरों को जानकारी मिले। तो चलो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और अपने फैमिली को भी अब हमारे चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिए। जय श्री कृष्णा।